एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये वीकेंड का व्लॉग है और ये सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, आप कह सकते हैं इट्स अराउंड 7:30 और 8। नमाज मैंने पढ़ ली थी और उसके बाद जो है मैं डेली से पारा पढ़ती हूँ एक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो यह है कि मैं सुबह एक से पारा ज़रूर पढ़ती हूँ। बताने का मकसद ये है कि मे बी इट विल इनक्रेज यू और मोटिवेट यू। खैर एनीवेज, उसके बाद ये था कि मुझे नाश्ता बनाना था और नाश्ते में ये था कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मैं चाय बना रही थी, हैवी नाश्ता हम आजकल नहीं करते, तो मैंने रोगानी बना ली थी और रोगानी की रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है, तो मैं बना के रख लेती हूँ। तो कल भी मैंने बनाई थी क्योंकि मेरे बच्चे आते जाते उसे खाते हैं, वो बड़ा हेल्दी चीज़ है घर की बनी हुई, तो वो मैंने दोबारा बना ली थी। और आज मुझे था कि चलो चाय और रोगानी मेरे और हस्बैंड खाते। सीरियसली एक रोगानी की पीस से ना मेरा पेट भर जाता है, मेरा दिल ही नहीं चाहता फिर कुछ और खाने का। तो ये मैं बना रही थी चाय, और चाय के साथ मैंने आपको बताया कि आई विल सर्व रोगानी। हुआ ये है कि माय हेल्पर इज़ गॉन छुट्टी पे, क्योंकि ईद से पहले छुट्टी पे मैंने भेज दिया ताकि फिर ईद से पहले, रमज़ान से पहले, तो फिर रमज़ान में थोड़ी आसानी हो जाती है। और ये होता है कि जब हेल्पर ना हो ना तो मेरे लिए घर के काम इतना मुश्किल नहीं होता, पर जो मेन थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती वो बर्तन धोना। पता नहीं क्यों मुझे, पता नहीं बचपन से बर्तन धोने अच्छे नहीं लगते। और ऐसे नहीं मैंने बर्तन नहीं धोए, मैं जब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं मेरी ड्यूटी होती थी बर्तन धोने की, तो बर्तन पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते, दैट इज समथिंग नॉट माई थिंग। बस बैल लगी हुई थी बर्तन धोने, तो मुझे था आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों को अपने घर के कामों में कौन सी चीज़ जो है वो करना अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को कपड़े फोल्ड करना अच्छा नहीं लगता, कुछ को अलमारी ठीक करना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे जो है ना बर्तन धोने बिल्कुल नहीं पसंद। तो खैर एनीवेज, बर्तन वगैरह मैं धो रही थी, तो जितनी तेज़ी से यहाँ पर धुल रहे हैं वैसे तो वहाँ पर ऐसे नहीं धुलते, लेकिन मेरी आदत है कि जैसे ही कोई गंदा होता जाता है मुझे होता है कि जल्दी जल्दी से धुल जाए, बहुत देर तक के लिए ना पड़े हों तो बेहतर होता है कि धो लें। खैर एनीवेज, आज की मैं थोड़े हाईलाइट दे दूँ। आज मुझे जाना था बाजार और मेरी जो आप लोग मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं कि आपकी जो क्लाइंट है आप उनके लिए क्या किस तरह कर रही हैं, तो मेरे वो क्लाइंट शी इज़ इन अमेरिका, मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं पता है, ये कपड़े और ये वो सब बहुत बहुत ज़्यादा मैं अपने लिए बनाती हूँ, फिर मेरे रह जाते हैं और मैं दूसरों के लिए जो है ना इतना नहीं कर सकती। आई ओनली हैव 1 or 2 क्लाइंट्स और उन्हीं के मैं बना के भेज देती हूँ, जो कि बड़े फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, बड़े फंसी नहीं है, तो ये है कि मैं उनको अच्छे से कपड़े बना के भेज देती हूँ, दे ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। अच्छा जी, अब मैं निकल गई थी, दोबारा बता दूँ मैं जा रही थी, मुझे जाना है लाइमलाइट, और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी दही बड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, मीन्स भले मैंने आज बना के रखे थे। खैर एनीवेज, ये वाले चप्पल आपको याद होंगे मैंने लिए थे शू प्लैनेट से, और मुझे था कि मैं आज शू प्लैनेट जाऊँगी और वहाँ से जो है मैं इस तरह के अपने लिए चप्पल देखूंगी। सीरियसली ये बहुत खूबसूरत चप्पल है, अगर आपको ऑनलाइन नज़र आ जाते हैं तो ले लें, बहुत प्यारे लगते हैं पैरों में। खैर इधर पिंडी इस्लामाबाद में रेनी डे चल रहा है आजकल, बहुत ही खूबसूरत बारिश वारिश हो रही होती है, तो मेरा मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलें चले जाते हैं, तो मैं थोड़ी शॉपिंग भी कर लूँगी, मुझे टेलर के पास भी जाना था, मुझे अपनी क्लाइंट के जो सना सफीरा थी सफायर वाला सूट था वो पिक करना था, लेकिन वो जो है ना उसकी एक लेस रह गई थी, तो वो मैंने उनको लेके दोबारा दे दी थी। अब मैं आ गई थी लाइमलाइट, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट हैं उन्होंने मुझे कहा था उनको फंकी कलर पसंद हैं, तो मुझे था कि लाइमलाइट के लॉन के जो थोड़ा बहुत फंकी है मैं देख लेती हूँ। तो खैर ये आप लोग मुझे बहुत बोल रहे थे कि प्लीज़ लाइमलाइट के कपड़ों के बारे में बता दें कि उनकी नई कलेक्शन आई, यही उनकी नई कलेक्शन आई हुई है, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं जब देख रही थी तो उसमें काफ़ी डिज़ाइंस थे लाइमलाइट के, ना राइट ना आप कह सकते हैं 40-50 डिज़ाइंस होंगे, तो वास्ट वैरायटी है, इट्स अप टू यू अगर आप लोगों ने जिस तरह का लेना है। मैंने जो सूट लिया था वो भी इनके पास पड़ा हुआ था, और लास्ट ईयर के बहुत सारे जो ड्रेसेस हैं वो इनके पास अभी भी पड़े हुए हैं, तो आपको सेल में भी इनकी वेबसाइट पे नज़र आ जाएंगे। वैसे भी 23 मार्च की जो है वो बहुत सारी सेल्स चल रही हैं, सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं जाके सेल अवेल करूँ, क्योंकि मुझे जो है वो था कि पहले ही ईद से पहले आप अपनी शॉपिंग कर लेते हो ना तो आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर ये होता है कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग माय वीडियोस डे बाय डे, एक एक दिन कर करके मैं आपसे शेयर करूँगी, तो उसमें आप लोग देखेंगे, बट ये कि मोस्टली शॉपिंग मैं ज़्यादातर एक ही दिन जाके करती हूँ, फिर एक दो दिन मीन्स मुसलसल जाके कर रही होती हूँ, तो डेली बेसिस पर जाना इज़ नॉट पॉसिबल। और मुझे है कि जल्दी जल्दी रमज़ान से पहले जो है रमज़ान में शुरू में ही अपने सारे काम निपटा लिए जाएं, क्योंकि बाद में जो होते हैं ना बहुत रश हो जाते हैं बाज़ारों में। खैर इधर मैंने देखा कि शिफली वर्क वाले जो होते हैं ना चिकनकारी वाले, नई कलेक्शन भी इनकी आई हुई थी, तो प्यारे सूट थे 4-5 हज़ार की
रेंज के थे, आप लोग देख लीजिएगा, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। प्यारे कलर्स भी थे, शिफली वर्क भी बड़ा फाइन हुआ हुआ था। एम्ब्रॉयडरीज जो है वो लाइम लाइट की, आप लोग मुझे बोलते हैं, तो लाइम लाइट की एम्ब्रॉयडरीज हमेशा मैंने जो चेक की है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत नीट होती है। देखिए किसी भी ब्रांड की अगर एम्ब्रॉयडरी नीट होगी ना, तो वो कॉस्ट करेगी। तो ये है कि मुझे सबसे जो अच्छी लगती है ना एम्ब्रॉयडरी, वो है निशात की। निशात की एम्ब्रॉयडरी बहुत फाइन होती है। फिर उसके बाद जो है ना, मैंने काफ़ी मीन्स जो मारिया भी है उसकी, तो एम्ब्रॉयडरी का बहुत ही खूबसूरत होती है, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि मेरा शॉल वाला सूट है, उसकी पूरी शॉल के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत प्यारी। तो इसी तरह लाइमलाइट की कपड़े जो है वो रीजनेबल होते हैं, मैं आपको बताऊँ, रीजनेबल होती है, और इनकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी होती है। ना सना सफीनास की एम्ब्रॉयडरीज आर नॉट दैट फाइन, वो मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। है वो मेरा फेवरेट ब्रांड, बट उसकी जो एम्ब्रॉयडरीज होती है ना, वो इतनी फाइन क्वालिटी नहीं होती, बस रफ सी होती है। हाँ, जो उनके एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं उनकी अच्छी होती है, लेकिन माहे मुस्लिन, मुस्लिन की भी थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन माहे की बस नॉर्मल होती है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे सीरो सैनमा, ये सदर वाली शॉप थी जिधर मैं गई थी। और यहाँ पर सीरो सैनमा के आगे इंटरनेशनल बर्गर और सीरो सैनमा की चाट जो है ना, वो हमारी फेवरेट है। इधर आके हम वो ना खाएं तो पॉसिबल ही नहीं। खैर, उसके बाद मुझे जाना था सीएसडी, मुझे जाके ग्रॉसरी करनी थी सीएसडी में। आप लोगों को याद है मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था, तो वो आप लोग मुझसे बहुत क्वेश्चन करते थे, सेम डिट्टो वही प्लेटर जो है वो उधर आया हुआ है। इट इज़ अराउंड 7,000, सिर्फ इसका क्लिप मैंने बनाया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, यू कैन गो एंड बाय, 7,000 कुछ का है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरा शीशे लगे हुए यहाँ पर, माँ ऐसे आई डोंट नो क्या मटीरियल था, बट वो ट्रे वाली लुक थी। ठीक है। उसके बाद ये था, मैं घर आई, मैंने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी संभाली, और अब मुझे था कि मैं माश की दाल ले आई थी, मैंने सॉरी नॉट ले आई थी, मैंने सुबह माश की दाल जाने से पहले भिगो दी थी। तो अब जो है मैं बना रही थी माश की दाल के बड़े, जो कि मैंने फ्रीज कर देने हैं फॉर रमज़ान, और इंशाल्लाह रमज़ान में मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से उसको मीन्स सर्व करती हूँ। सो ये मैंने सबसे पहले ले लिए थे, माश की दाल ले ली थी तकरीबन 250 ग्राम के बराबर, मैंने उसको भिगो दिया था। और भिगो देने के बाद तकरीबन 6 से 7 घंटे आपने माश की दाल को भिगोना है, ओवरनाइट नहीं भिगोना। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी बट इट विल वर्क अलॉट। ये है कि ये फ्रीज कर सकते हैं फॉर अ मंथ। तो मैंने तकरीबन 250 ग्राम माश की दाल को 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज सॉरी भिगो दिया था, और उसके बाद मैंने इसको लेके ब्लेंडर जार में डाल दिया। ठीक है। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप से 1/4 कप के बराबर मैंने इसमें डाला है पानी, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको ब्लेंड करूंगी, तो ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, तो इसलिए मैंने आधा डाला है अभी। और मसाले एक ही दफ़ा मैं डालूंगी, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून जो है ना भर के डाली है इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर है तकरीबन आप कह सकते हैं 1/2 टीस्पून, बहुत ज़्यादा आपने ज़ीरा पाउडर इसके अंदर शामिल नहीं करना। इसके बाद इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, क्योंकि बेकिंग पाउडर इसमें इसलिए जाता है ताकि इसको एक स्पॉन्जी लुक दे सके। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, और ये आप देख सकते हैं, ये तो नॉर्मल चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ, वैसे अगर देखा जाए तो ये 1 टीस्पून के बराबर ही है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक, नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाला है, अगर आप लोग ज़्यादा डालते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने इसके अंदर नमक डालना है। बस ये मसाले इसके अंदर जाएंगे, और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से जो है ना वो ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, तो ये बहुत अच्छा सा खुद ही ब्लेंड हो जाएगा, आपको जो है ना वो बहुत मेहनत करने की नीड नहीं पड़ेगी। कुछ लोग बिल्कुल पानी नहीं डालते, लेकिन इस रेसिपी में मैं आपको बता रही हूँ, पानी डाल दें तो बहुत अच्छे बनेंगे। खैर, मैंने सारे बैटर को बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल लेने के बाद मीन्स ये जो मेरा मीन्स एक डोंगे में डाल दिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। जब ऑयल गर्म हो गया, ये मेरा जो है वो आइसक्रीम स्कूपर है, इससे मैं मोस्टली बैटर्स डालती हूँ ताकि एक ही क्वांटिटी में आ जाएं। तो बस इसको पहले थोड़ा सा गीला कर दें, लेकिन छान दीजिएगा, ऐसे ही आपने नहीं डालना। अब इसके बाद आपने मैंने जो है ना ये जो भल्ले थे ना, इसको एक एक करके इसमें डालना शुरू कर दिया। एंड मैं इसको फ्राई करूंगी, थोड़ा सा इसको डार्क फ्राई करेंगे, क्योंकि जब हम इनको पानी में डालते हैं ना, तो इसका कलर बिल्कुल पेल सा हो जाता है। तो अगर बहुत ही पेल होंगे तो बिल्कुल ही पेल होगा, इसलिए बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा डार्कर फ्राई कीजिएगा। और जब फ्राई हो जाते हैं तो इसको आपने ठंडा होने देना है, और उसके बाद इसको आपने जिप लॉक बैग में जो है ना डाल के तो फ्रीज़र में रख देना है। एंड ये भल्ले तक अच्छे खासे बन जाते हैं, तकरीबन 2 से 3 दफ़ा के भल्ले जो है ना इस क्वांटिटी से बड़े आराम से बन जाते हैं। हाँ, जब आप इसको मीन्स फ्रीज कर दिया रमज़ान में, जब आप इसको बनाएंगे, तो आपने जितनी 8-10 जितने भी भल्ले आपको चाहिए अपने बाहर निकाले, उसको डिफ्रॉस्ट कर दिया, मीन्स सुबह निकाल दिया तो उस वक्त तक तो हो ही जाएंगे। उसके बाद आपने इसको पानी में डाला, निचोड़ा, इसका ऑयल निकल जाएगा, और आपने इसको फ्राई कर लेना। अभी इसको और पानी में नहीं डाला।
हाँ जी, तो अब जो है मैंने लगाना है ये मास्क, बिकॉज़ मैं सुबह से काफ़ी कामों पे बिजी थी तो मैंने काफ़ी दिनों से मास्क नहीं लगाया था। तो ये वाला जो मास्क है ये है हिमालयन चारकोल मास्क, एंड ये मैंने बॉडी शॉप से लिया है। ये मेरी तीसरी चौथी बॉटल होगी, एंड सीरियसली इट्स टू गुड, बहुत ही अच्छी, मीन्स ये बहुत अच्छा मास्क है। और ये मैं आपको ज़रा करीब से दिखा दूं कि ये जो है ना, इसके अंदर चारकोल वाले की तरह का है। मैं अपने फेस पे भी लगाऊंगी तो हो सकता है मैं दिखा दूं। और इसके अंदर थोड़ी छोटी सी ना ग्रीन टी के दाने होते हैं, तो ये वाला मास्क अब मैंने लगाना है। और इसके बाद बस मैं करती हूँ अपने व्लॉग का अख्तितम। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।